तो हेलो व्हाट्स अप गाइस, फाइनली है क्या हो रहा है? बाबा बागेश्वर, बाबा बागेश्वर, बाबा बचा लो। बागेश्वर बाबा ने मेरी जिंदगी तो बचा ली, मगर क्या आप लोग को पता है बागेश्वर बाबा ने मेरी तरह और कितने की जिंदगी बचा रखी है? धन्यवाद हो बागेश्वर बाबा का। मैं तो पगला हूं, मुंह रखा आदमी, मैं का पढ़ो लिखो। अगर आपको नहीं पता मैं किस बाबा के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बागेश्वर बाबा के बारे में। ये बाबा भक्तों के नाम से इनका दुख बता देते हैं और दुख बताने के साथ साथ उनको दूर से ठीक कर देते हैं। प्रभाव करें शक्ति का। और गाइस मैं पहले ही बता दूं, मैं इस वीडियो को बनाया किसी रिलीजन को हर्ट नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो बागेश्वर बाबा को हर्ट। ये जो आप देख रहे हो ना लाल कुर्ते और हरी चद्दर में, कौन है? यही तो है यार बागेश्वर बाबा। हाँ बागेश्वर बाबा जवान है यार, हर बाबा बूढ़े थोड़े ना हो। Meanwhile, हमारे बागेश्वर बाबा भीड़ में जा रहे हैं किसी भूत को ढूंढने। भूत को पकड़ के लाएंगे और उसका इलाज करेंगे अपने पास। तो बागेश्वर बाबा ने अपना नया मुर्गा पकड़ लिया है। हाँ क्या मतलब, इस मुर्गे को पहले कुछ पैसे दे दिए थे। इसी टेक्निक के बारे में तो बात कर रहा था मैं, दूर से ही ठीक करता है भाई अपने मरीजों को। अरे बाबा जी और बात तो सारी, तम हाथ होते तो बहुत खेल ले, मगर यो एक भोली ऊपर को चढ़ाओ तम। ए रोक हो गया तुम। यार मरीज तभी बढ़िया एक्टिंग नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 दिन तक प्रेशर ही ना पड़ना हो। और मारो इसे, और मारो इसे, बड़ा-बड़ा मारो इसे। अगर आपको अभी तक नहीं समझ पाए किसको कह रहे हैं और मार लगाओ, मैं बताता हूँ ना, इस भाई साहब के अंदर ना एक भूत है। अच्छा, इनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भूत से हो रखा है। ठीक है समझ गया। तो ये डायरेक्ट भूत को बता रहे कि इसको और मार लगाओ, इसको सजा दो। अच्छा इसको जरा सर में मारो, सेनापति सर में मारो उसके। सेनापति बाबा जी का भूत ही तो है, सेनापति को पता कैसे सारे होते हैं। अब सर में भरा भरा मार। राक्षस भगो, एक लोग एक तरफ पटो। हाँ भी मैं भी कंफ्यूज हूँ, यहाँ पे सेनापति पिटन लग रहा है, फिर यही पिटन लग रहा। और मारो इसको, और मारो इसको। मेरे भाई वो तो ठीक है तुझे पैसे मिल जाएंगे, पर तेरे शर्ट के पैसे नहीं मिले। शर्ट तो तुझे अपनी लेनी पड़ेगी दूसरी। भाई ने सोचा पैसे तो मिल रहे, शर्ट और फाड़ दो, थोड़ी सी और रियल लग जाएगी एक्टिंग। वो ना हो पर बाबा जी हमारी सरकार की बहुत मदद कर रहे हैं। अरे बेरोजगारी मिटाने में कम से कम अपने दरबार में कितनों को नौकरी तो दे जाए एक्टिंग करने की। और अगर आप इन बाबा के दरबार में जाना चाहते हो और इनसे अपनी प्रॉब्लम ठीक करवाना चाहते हो, ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इन बाबाओं को ना फिक्स होता है कि इन्हीं को बुलाना है, क्योंकि हमने इन्हीं को ही तो पैसे दिए यार, फिर एक्टिंग कौन करेगा भाई। By the way, guys, आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो को हम इधर ही रोकते हैं। और आप लोग बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।